जी हिंद दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिहार जीविका भर्ती 2019 के बारे में, एक आप ही के अपडेट के बारे में, जिसके बारे में मुझे लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरी अन्य वीडियो के ऊपर, जिसमें कि मैंने आपको बिहार जीविका के बारे में अपडेट दिया है, उस पर लगातार आपके काफ़ी कमेंट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि आप लोग पूछ रहे हैं कि सर हमने जिस पोस्ट पर अप्लाई किया था वो हम भूल चुके हैं, तो आप ये बताइए कि कैसे हम पता करें कि हमने किस पोस्ट पर अप्लाई किया था। तो कमेंट जो आ रहे थे उनकी मात्रा ज़्यादा थी, इस वजह से मैंने सोचा कि आपको वहीं पर रिप्लाई ना दे करके एक वीडियो बना करके बता दिया जाए कि आपको कैसे चेक करना है कि आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया था। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग इस वीडियो में ये पूछने वाले हो कमेंट करके कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा और एग्ज़ाम डेट कब आएगी, तो मैं आपको बता दूं कि एडमिट कार्ड अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया गया है। जैसा कि आप वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन भी देख पा रहे हो कि जो लोग वहाँ पर कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड या एग्ज़ाम डेट कब जारी की जाएगी, तो ये बोल रहे हैं कि हम जब भी जारी होगी वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर देंगे, पहले हम बता नहीं चाहते कि कब आपका एग्ज़ाम आएगा या फिर किस दिन आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि एडमिट कार्ड अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया गया है, बस आपको वेबसाइट चेक करते रहना है डेली बेसिस पे। अगर कोई अपडेट देखने को आपको मिल जाए तो आपको उसको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, यानी कि जो भी अपडेट होगा वो आपको चेक कर लेना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ये जानना है कि आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया था। अभी जो आप वीडियो में वेबसाइट देख पा रहे हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर सबसे बाद में एक ऑप्शन दिया गया है ट्रैक योर एप्लीकेशन, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपसे आपका एप्लीकेशन नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पर आपको BRLPS के बाद के जो अंक है वो यहाँ पर फिलअप कर देने हैं। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, सबसे पहले मंथ, फिर डेट और फिर ईयर, इस प्रकार से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी। और फिर मोबाइल नंबर, जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल किया था या जो आपने फॉर्म फिलअप के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है, जिसके ऊपर आपको मैसेज आते हैं बिहार जीविका से जुड़े हुए, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और जैसे ही आप चेक रिजल्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उस पोस्ट का नाम यहाँ पर आ जाएगा। मेरे पास किसी कैंडिडेट की जानकारी, पूरी जानकारी नहीं है, बस मेरे पास कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है। उनका मोबाइल नंबर न होने की वजह से मैं आपको आगे का प्रोसेस नहीं दिखा पा रहा हूँ, बस आपको चेक रिजल्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने आपकी पोस्ट आ जाएगी, ये इसका प्रोसेस है। और अब आप ये भी पूछना चाहोगे कि जो लोग अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ भूल चुके हैं, डेट ऑफ बर्थ तो नहीं भूले होंगे पर एप्लीकेशन नंबर बहुत सारे लोग भूल चुके होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन नंबर रिकवर करने का कोई भी तरीका नहीं है, ना ही यहाँ पर फॉरगोट एप्लीकेशन नंबर ना फिर फॉरगोट पासवर्ड का ऑप्शन दिया है। तो अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर है तभी आप ये चेक कर पाओगे कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। तो दोस्तों बस यही था अपडेट जो कि मुझे आपको बताना था, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया था। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, जैसा कि आप हर वीडियो को लाइक करते हैं और अपना प्यार बनाए रखते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि जानकारी उन सभी लोगों तक पहुंच जाए जिन लोगों को इसका इंतजार है और जो लोग ये जानकारी पाना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि मैं बिहार जीविका से जुड़े हुए छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अपडेट की वीडियो बना रहा हूं, और इसी वजह से आपको नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको ऑन करना बनता है ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। जय हिंद दोस्तों।